पूरे विश्व में कोरोना महामारी के बाद अब वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की कई कंपनियां दुनिया भर के अलग अलग देशों में लगाई जा रही है। इस बीच कोरोना की दोनों खुराक लेने के बाद अब वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल कि क्या कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर डोज के बिना किसी को पूरी तरह से टीकाकरण युक्त माना जाता है। फर्स्ट पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जिन लोगों को दो खुराक वाला टीका या जॉनसन एंड जॉनसन शॉट की सिंगल खुराक मिली है उन्हें पूरी तरह से टीका लगा हुआ माना जाता है, यहां तक कि बिना बूस्टर डोज के भी। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि फाइजर या मॉडर्न वैक्सीन की दूसरी खुराक या जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक प्राप्त करने के 2 हफ्ते बाद आपको पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जाएगा। बता दें कि कोरोना के टीके गंभीर बीमारी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। लेकिन अमरीकी स्वास्थ्य अधिकारी अब कोविड-19 से गंभीर बीमारी के लिए हाई रिस्क वाले कुछ लोगों के लिए बूस्टर डोज की सलाह देते हैं। इस सबूत के आधार पर कि विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों में मामूली बीमारी से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। CDC का कहना है कि 65 और उससे अधिक उम्र के लोग, लंबे समय तक देखभाल करने वाले और 50 से 64 वर्ष की आयु के अन्य लोगों को शुगर या हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के साथ बूस्टर मिलना चाहिए। अगर उन्हें कम से कम 6 महीने पहले फाइजर शॉट मिले हैं तो एजेंसी ने स्वास्थ्य समस्याओं वाले 18 से 49 साल लोगों के लिए बूस्टर की सिफारिश करना बंद कर दिया, लेकिन उनका कहना है कि वे अपने व्यक्तिगत जोखिम पर विचार करने के बाद ही शॉट प्राप्त कर सकते हैं। हर रोज ताज़ा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।